श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय क्या कुछ कह रहे हैं, आपको हम सीधा लिए चलते हैं। वो बालक राम की प्रतिमा है, ये कह सकते हैं कि यहां पर जो भगवान की अर्चना है वो पुत्र रूप में है। अयोध्या में राम जी की पूजा कहीं जामाता दामाद के रूप में है, कहीं राजा के रूप में है, कहीं वनवासी रूप में है। यहाँ राम की पूजा पुत्र रूप में होगी, बालक राम, राम लला। देश के कुछ ख्यातिनाम मूर्तिकार, उसमें एक उड़ीसा के हैं मूर्तिकार जिनको पद्म विभूषण मिला है, एक कर्नाटक के हैं, मूर्ति शास्त्र के अध्येता मूर्तिकार नहीं है वो, लेकिन मूर्ति विज्ञान के अध्येता स्कॉलर वो पुणे के हैं, लगभग 90 साल की आयु है। और चित्रकला के देश के ख्यातिनाम वो बंबई के हैं, ये सब लोग बालक राम का चित्र कैसा हो, आंखों की कोमलता, चेहरे की कोमलता, हाथ पैरों की कोमलता, ये बाल सुलभ, इसका वो रेखांकन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि रामनवमी के दिन सूर्य भगवान की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करे, सूर्य तिलक दोपहर 12 बजे। इसका प्रयोग रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI वो कर रही है और पहला ट्रायल सफल हो गया है। उसके आधार पर भगवान की मूर्ति का जो पेडेस्टल होगा स्टूल, उसकी ऊंचाई तय करेंगे। मूर्ति पत्थर की बनेगी, पत्थरों का सिलेक्शन हो रहा है। हमारी कोशिश है कि खंभों पर जो मूर्तियां बननी है वो मूर्तियां भी बनाने का काम खोजना प्रारंभ कर दें। आदमी खोजेंगे, फिर मूर्ति बनाने वाले कलाकार कहाँ कहाँ मिलते हैं। कलाकार शब्द अच्छा नहीं है उनके लिए, वो उसके हुनरदार लोग हैं, वो उसके आर्टिजन्स हैं, शिल्पी हैं, वो शिल्पी। शिल्पी उड़ीसा में मिलते हैं, दक्षिण में भी शिल्पी हैं, राजस्थान में भी शिल्पी हैं, जो पत्थरों की नक्काशी करते हैं। सामान्य सीमेंट की मूर्ति बनाना आसान है, एक पत्थर का टुकड़ा मिल जाए उसमें मूर्ति निकालना आसान है। और यहाँ मूर्ति अगर तनिक भी बिगड़ गई
तो खंभा जो लग चुका है उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, इसलिए ये काम ज्यादा सेंसिटिव है। अगर सभी खंभे और दीवारों का विचार कर लें तो शायद 7,000 मूर्तियां बनेंगी।